एरिस लाइफ साइंस देखिए, ERIS एरिस लाइफ साइंस, लगातार गिरावट आई है, क्या करना चाहिए? एलेक्स सर, इसको करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, और एक अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन, 2021 से जो कंसोलिडेशन शुरू हुई है अभी तक 2023 आ गया, अभी तक कंसोलिडेशन चल रही है। और कितना टाइम कंसोलिडेशन चलती है वो भी कहना अभी को पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि यहाँ पे आप बाइंग मत करें, और अगर आप अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है और निचले लेवल्स पे पोजीशंस है, कोई लॉन्ग टर्म होल्डर है, तो वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में, रिस लाइफ साइंस में फिलहाल अवॉइड नहीं, अगर है तो क्या कह रहे हैं सर, स्टॉप लॉस कुछ सजेस्ट करेंगे? जी, बिल्कुल। अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस अपना, इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 601 रुपये, 601 रुपये के नीचे आप डेली क्लोजिंग देखें। अगर 601 रुपये के नीचे डेली क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर जाएं। और अगर ये उनके लिए है जो ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। जी बिल्कुल, अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है वो उनके लिए अवॉइड है स्टॉक। ये है एरिस लाइफ साइंसेस पे भी।